अंडनीलम को हिंदी में अयोबा के टॉपिक करवाऊंगी। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में क्या आता है बच्चों? अब वर्णमाला क्या होता है? सबसे पहले वर्णमाला हम किसे कहते हैं? वर्णों के कर्म पर समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर, वर्णमाला में क्या आता है? स्वर और व्यंजन। अब स्वर, वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, अ, ई, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, रि, ऋषि, ए से एडी, ऐ से अन्ना, ओ से ओखली, औ से औरत। अब हमारे पास अंग और अह। ये अंग क्या है? ये हमारे अनुस्वारी है। अंग क्या है? अनुस्वार है। और अह क्या है? विसर्ग है। ठीक है बच्चों, ये दोनों मैंने अलग लिखे, ब्रैकेट में क्यों लिखे? क्योंकि ये जो हमारे 11 स्वर लिखे हुए हैं ऊपर, इनके बाद इनका इनको लिखा जाता है, लेकिन इनका स्वर के साथ कोई उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए इनको अलग से लिखा जाता है, स्वरों के बाद ही लिखा जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है नंबर व्यंजन का। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, अक्षय, त्रय, गय और श। अब इन सभी व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें देखो स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए इन्हें व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों का साथ लेना पड़ता है। ये स्वतंत्र रूप से, इनका स्वतंत्र रूप से हमें उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए हमें व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसके बाद हम आते हैं अयोगवा। अयोगवा क्या है? क्या इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अयोगवा में अ, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वरों में 11 स्वर के बाद इनका नंबर आता है, अ ऊपर बिंदु, तो इसका चिन्ह क्या है? हमारा बिंदु है, और इसको हम अनुस्वार भी बोल सकते हैं। इसके बाद अ, अ के पीछे दो बिंदु लगे हुए हैं, इसका चिन्ह हमारा ये दो बिंदु है, और इसको हम विसर्ग भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया संकल्प, अब ये हम उदाहरण लेते हैं संकल्प। स, ग, नीचे है बिंदु, क, ल, प, संकल्प। ये देखिए इनका उच्चारण करते समय हमें स प्लस क, ये वाली लाइन काटते बस यही करेंगे। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग, हिंदी वर्णमाला के अनुसार बिंदु को लिखा, इसका चिन्ह क्या? हमारा बिंदु है, और विसर्ग इसका हमारा चिन्ह है, दो बिंदु है, को क्रमशः अंग और अ के साथ ही लिखा जाता है। यद्यपि इनका स्वरों के साथ ही इनको रखा जाता है, लेकिन ये स्वर की हमारी ध्वनियां नहीं है, यानी कि इनका स्वर के साथ हमारा उच्चारण नहीं किया जाता। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में इन्हें अयोगवा कहा जाता है, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण के समान ही होता है। इन अयोगवा है जो हमारे अंग और अ, इनका उच्चारण अनुस्वार का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चों अनुस्वार हमारे जो हमारा वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, जैसे हमारा एक वर्ग, चवर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, कवर्ग है, इसमें क, ख, ग, घ, घ, अंग, ड, ये पांचवा अक्षर है। इसमें देखो अब हम उदाहरण लेते हैं अनुस्वार का, जैसे संकल्प,
पंचमाक्षर, पंचमाक्षर है यहाँ पर हमारा। इसके बाद हमारा ये क्या है, हमारा अनुस्वार प्रयोग होता है। जैसे देखिए स उपजिंदी च य संचय, ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनका उच्चारण हम पंचमाक्षर के स्थान पर करते हैं, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे अब हम लेंगे य र ल व श स स ह, से पहले भी हमारा क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण हम क्या लेंगे, संयम। देखिए य, अब य से पहले अनुस्वार यूज हुआ संयम, स उपबिंदी य म संयम। फिर उसके बाद है हमारा र, अब र से पहले हमारा क्या यूज हुआ, स उपबिंदी र अक्षो क संरक्षक, संरक्षक। तो हमारा क्या बन गया, ये संरक्षक बन गया। तो हमारा र से पहले क्या प्रयोग हुआ, अनुस्वार। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संवाद, व स वैसे